सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन और आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। नालंदा जिला मुख्यालय बिहार शरीफ के सोसराय थाना क्षेत्र अंतर्गत छोटी पहाड़ी में जहरीली शराब पीने से 12 लोगों की मौत हो गई थी और इस मामले में नालंदा जिला प्रशासन के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। आपको बताते चले कि शराब के कारोबार में शामिल 19 शराब कारोबारियों को जिला प्रशासन के द्वारा चिन्हित किया गया था और सभी चिन्हित कारोबारियों को 11 फरवरी तक घर खाली करने का निर्देश भी दिया गया था। बावजूद इन लोगों के द्वारा घर खाली नहीं किया गया है और आज आप खुद तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं कि पूरी तैयारी के साथ नालंदा जिला प्रशासन सभी शराब कारोबारियों के मकान को ध्वस्त करने के लिए पहुंची है। आप तस्वीर के माध्यम से भी देख सकते हैं कि किस तरह से नगर निगम से कर्मी को बुलाया गया है। खुद बिहार शरीफ के SDM कुमार अनुराग, बिहार शरीफ सदर DSP डॉक्टर शिवली नोमानी, बिहार शरीफ अंचलाधिकारी धर्मेंद्र पंडित और DCLR प्रभात कुमार के अलावे कई जो पुलिस पदाधिकारी और पुलिस बल हैं, बिहार शरीफ प्रखंड विकास पदाधिकारी अंजन दत्ता भी यहाँ पे पहुँचे हैं और अब कुछ ही देर के बाद घर टूटने की तैयारी होगी। जिस प्रकार से शराब कारोबारियों ने 12 मौत किया, उस मौत का आज हिसाब किताब बराबर होने जा रहा है और जिस प्रकार से शराब का धंधा कर इन लोगों ने अवैध तरीके से अकूत संपत्ति अर्जित की, अवैध निर्माण किया, उन सभी निर्माण पर आज बुलडोजर चलेगा। तस्वीर के माध्यम से भी देख सकते हैं कि किस तरह से नगर निगम के जो सफाई कर्मी हैं और जो अन्य कर्मी हैं वो भी यहाँ पहुँचे हैं सभी मकान को ध्वस्त करने के लिए। पूरी बटालियन पहुँची है, पूरी नालंदा जिला प्रशासन की टीम पहुँची है और पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ यहाँ पर मकान को तोड़ा जा रहा है और लगातार इस घटना से जुड़ी तमाम अपडेट्स हम ग्राउंड रिपोर्ट के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए और पाइए बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरें। अगर वीडियो Facebook पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को भी फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले।